नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट डायरी में आपका स्वागत है। उत्तर पूर्वी राज्यों की खबरों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर हैं। मैं हूं मीनाक्षी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर की डेप्यूटी एडिटर संगीता बुरामिशरवी जी। संगीता जी, आपका स्वागत है। जैसा हम बात कर रहे थे, इस हफ्ते पहला मुद्दा जो रहा सबसे बड़ा, वो था मिजोरम में ब्रू शरणार्थियों की वापसी। केंद्र सरकार त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार के बीच में द्विपक्षीय समझौता हुआ, जिसके तहत 21 साल पहले 1997 में एक आम कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो भू शरणार्थी त्रिपुरा में पहुंचे थे, वो वापस से मिजोरम जाएंगे। क्या है ये पूरा मसला? देखिए, ये पूरा मामला जो शुरू हुआ था 1995 की बात है ये, और खैर 1996 में ये त्रिपुरा पहुंचे और 6 कैंप्स में रहे, और तब से वो रह ही रहे हैं वहाँ पे। और मिज़ोरम और त्रिपुरा बॉर्डर शेयर करते हैं, वो उस एरिया के हैं। और तो ये मिज़ोरम से दो डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादातर मामित और कोलासिब से भागे थे, लेकिन 1995 में इसका शुरुआत हुआ था, ये जो कन्फ्रंटेशन बिटवीन मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है, तो मिज़ोस हैं, और ये ब्रू जिनको रियांग भी कहते हैं, तो उनके साथ कम्युनिटी के साथ शुरू हुआ था एक आपसी एक कन्फ्रंटेशन, जिसमें बहुत पावरफुल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं मिज़ोस के, तो इन्होंने ये किया, ये इनका वो आर्ग्यूमेंट था कि ये इंडिजिनस कम्युनिटी नहीं है, आउटसाइडर है। देखिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में इनसाइडर आउटसाइडर थिंग बहुत कॉमन है और ये बात चलता है, तो उसमें वो आउटसाइडर है और इनको इलेक्टोरल रोल से ही हटा देना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा वो एक कन्फ्रंटेशन हुआ। उसके बाद एक ये मिलिटेंसी का भी दौरा आया, ब्रू का मिलिटेंसी भी एक दौरा हमने देखा उस टाइम। और 1996 में इन्हीं के जो मिलिटेंट एक ग्रुप थे, उन्होंने एक ऑफिशियल को मार दिया था जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो उसमें बहुत क्लैशेस हुए, फिर इनके गांव जला दिए गए, तो बहुत सारे और लोग मारे, तो और बहुत एट्रोसिटीज हुए, तो तभी वो भाग के त्रिपुरा पहुंचे और तब से वो रह रहे थे। और लेकिन सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ही कोशिश, कई साल से कोशिश हो रहा था कि इनको वापस लाया जाए। जैसे 2010 में भी हमने देखा कि कुछ फैमिलीज को रीसेटलमेंट का देखा हमने, लेकिन उसके बाद बहुत कोशिश के बाद भी नहीं हुआ। और ये जो आप कह रहे हैं, जो अभी का जो ये सेटलमेंट है, ये भी कई साल चला, और लास्ट में जब ये जो इनका जो मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ब्रू के, मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस पीपल्स फोरम, तो इनको एक अल्टीमेटम भी दिए MHA ने रिसेंटली कि अगर आप हमारे इस बात को नहीं मानते तो हम ये कैंप्स बंद कर देंगे। इतना तक भी बात आगे पहुंचा, तो उसके बाद जाके ये एग्रीमेंट हुए, जिसके तहत ये 30 सितंबर तक इनको वहाँ नया जगह में जाना पड़ेगा, और ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये त्रिपुरा में जो कैंप चल रहे हैं वो बंद कर देंगे। और ये कैंप्स का मैं एक बात और कहना चाहूँगी, ये सरकार का ओवर 3,350 crores, अराउंड 360 something crore रुपीज देते हैं त्रिपुरा सरकार को ये कैंप चलाने के लिए, और ऊपर से ओवर 60 क्रोर्स ये मिजोरम सरकार को भी दिया है, क्योंकि इनके जो पहले बैच में जो लोग गए उनको रीसेटलमेंट के लिए, तो ये सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा, पैसे का भी हिसाब से अगर देखें तो बहुत बड़ा एक एक्सपेंस है। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इसके तहत ये है कि फैमिली जो हैं, हर फैमिली के जो एल्डर है, एल्डेस्ट फैमिली जो है, एल्डेस्ट मेंबर जो है फैमिली के, तो इसमें 5,407 फैमिलीज है इस लास्ट राउंड में, तो उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, और ये फिक्स डिपॉजिट होगा, और 2 साल तक ये पैसा वो नहीं निकाल पाएंगे, और ऊपर से 5,000 हर महीने दिए जाएंगे इनको। और ये जो 4 लाख की बात है, वो एक कंडीशन के साथ है कि 3 साल तक उनको वहां रहना पड़ेगा और वो छोड़ के नहीं आ सकते। फिर 1.5 लाख रुपया घर बनाने के लिए दिए जाएंगे। फिर त्रिपुरा सरकार को भी ये कहा है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, इनके जो जितने कार्ड्स हैं ये सब अपडेट करके उनको भेजा जाए वहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि इनकी जो ST सर्टिफिकेट, ST कम्युनिटी में आता है, तो ST सर्टिफिकेट्स जो है, इनके जो परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, ये सारे सर्टिफिकेट्स मिजोरम सरकार अब इशू करेंगे इनको, तो ये सब सारे कंडीशंस के सहित ये गए हैं वहाँ पे।
ये मसला बहुत सालों से चल रहा था, हमेशा बार बार कुछ ना कुछ इसमें दिक्कतें आती थी। इस साल मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इसे एक चुनाव की तैयारी के कदम के रूप में या चुनावी तैयारी की कोशिश के बतौर देखा जा सकता है? जी जरूर, इसमें हमने इसी प्रोग्राम में एक बार इस बारे में बात भी किए थे कि ये मुझे लगा ही था कि ये जो मतलब नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिक्स को क्लोजली देखते हैं उन, और मिजोरम इलेक्शन आ रहा है, दिसंबर 12 तारीख तक से पहले इलेक्शन करना पड़ेगा, तो इस इलेक्शन में आप देखिए ये दो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मामित और कोलासिब से जैसे मैंने कहा, और दोनों डिस्ट्रिक्ट में तीन तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, और देखिए मिजोरम बहुत छोटा स्टेट है और तो उसमें ये एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मान्य है, बहुत इम्पोर्टेंस है इसका, और बीजेपी अब देखिए ऑलरेडी नेशनल फ्रंट है, जो मेन ऑपोजिशन है, और अभी सरकार जो है ये कांग्रेस के हैं, दो टर्म पुराना सरकार है, तो एंटी इनकम्बेंसी वैसे ही बड़ा है, और उस पे एमएनएफ का एक मेन ऑपोजिशन है, और साथ में बीजेपी भी है, और खैर एक और फ्रंट भी उसमें थोड़े दिन पहले से दिखाई दिया है, जो नॉन कांग्रेस नॉन एमएनएफ एक फ्रंट भी दिखने को मिला है, तो उसमें एक असेंबली का इलेक्शन का एक जोर शोर तो शुरू हो गया है, और ऊपर से बात यह है कि ये लोग जो इतने जो फैमिली जाएंगे, ये 32,876 पर्सन है, तो इसमें दो डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा उसमें, वोटर्स में काफी जी, तो उसमें मिजोरम का जो इलेक्टोरल रोल्स है वो उसको दोबारा देखेंगे और उसको अपडेट करना पड़ेगा, तो ये सब चीजें हैं, और इलेक्शन को मैं वोट तो ये जरूर देंगे, तो उसमें मुझे लगता है इसमें बहुत फर्क इलेक्शन में तो जरूर पड़ेगा। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ इसमें कि अभी कल परसों की ही बात है, तो नहीं कल की बात है, इसमें चीफ मिनिस्टर जो है ललथन हावला, इन्होंने एक फेस्टिवल में ये भी बात कहा पब्लिक मीटिंग में कि ऑल द मिजो शुड यूनाइट, तो उन्होंने ये कहा कि मिजो सब यूनाइट होना चाहिए, तो ये एक पोलिटिकल स्टेटमेंट है जिसमें अब मिजोज आपको यूनाइट करने हैं, फिर उसके बाद जो चकमाज के एक समुदाय, चकमा के भी समुदाय हैं जो एक मिजोस के साथ इनकी कॉन्फ्रंटेशन हम इस साल में बहुत बार देखे, तो इनके और इनके सपोर्ट बीजेपी के साथ है, तो ये अब ब्रूज के साथ आ गया, तो मुझे लगता है एक कम्युनिटी के हिसाब से कांग्रेस भी इलेक्शन खेलना चाहते हैं और बीजेपी में भी ये बात है, तो मुझे लगता है कि ये एक इलेक्शन की तैयारी में तो इनकी ये जो नए रेफ्यूजीज जो ये जो वापस जो जा रहे हैं ब्रू रेफ्यूजीज, तो उनकी एक रोल तो जरूर होगा। अगली जो खबर है हमारे पास है वो मणिपुर से है। मणिपुर में एविक्शन ड्राइव चल रहा है, सरकारी जमीन पर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने की कवायद चल रही है, सरकार कह रही है कि सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। इस एविक्शन ड्राइव के खिलाफ काफी संगठन है, जनता उतरी हुई है, 72 घंटे की एक हड़ताल बुलाई गई थी, और जो ईस्ट इम्फाल है वहां पर ये सब हो रहा है, वहां की कई सारी लोकेलिटीज है, कई क्षेत्रों में इस एविक्शन ड्राइव का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, इसके बावजूद भी ये एविक्शन ड्राइव जो है जारी है, ये पूरा मसला क्या है, क्यों इसका विरोध कर रही है? ये एविक्शन जो है, सरकार का कहना है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है और पैडीलैंड्स, इनकी एक 2014 में एक एक्ट भी जारी हुआ था जो पैडीलैंड जो है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, इनको अगर कोई एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल नहीं करे तो उनको इविक्शन किया जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए ही वो जमीन इस्तेमाल होगी, तो ऐसे और ये सरकार का कहना है कि ये जो एरियाज में ये जो लोग रह रहे हैं ये एनक्रोचर्स हैं एक तो, और दूसरा ये जो एक्ट है उसकी उसका वो वायलेशन है, तो उसके वजह से ही ये मार्च का ही बात है, मार्च में ही इनको इविक्शन दिया गया, कुछ फैमिलीज को कुछ नोटिसेस, इविक्शन नोटिसेस दिया गया, और उसके बाद इविक्शन का कोशिश भी हुआ एक एरिया में जिसके कारण बहुत प्रोटेस्ट हुआ, और ये एक पंगल कम्युनिटी है, मतलब मेटी मुसलमान कम्युनिटी है, तो और वो उनका कहना है कि हम 1976 से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो और एक गांव है, बसा बसाया गांव है, तो ये सब कुछ चीजें हुए, और उसके बाद जो इनकी जो मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल मणिपुर मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशंस कोऑर्डिनेटिंग कमेटी, तो उन्होंने मार्च में मीटिंग भी किया चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह के साथ, और मीटिंग में एक हमारे को सुनने को आया कि एक एग्रीमेंट भी हुआ है जिसके तहत 3 हफ्ते का समय मांगा गया कि हम ये एक
एमिकेबल सोल्यूशन इसका चाहते हैं, लेकिन ये जुलाई 2 तारीख को जब हम देखते हैं कि इविक्शन शुरू ड्राइव शुरू हुआ, और ये इविक्शन ड्राइव अब स्टेट अथॉरिटीज का कहना है कि इविक्शन ड्राइव चलेगा, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन का मैंने नाम लिया, तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि ये खाली एक समुदाय को सामुदायिक रंग दिया जा रहा है कि एक कम्युनिटी को हटाने के लिए किया। तो शुरुआत तो वैसे ही हुआ, और जो जिस कारण में कंट्रोवर्सी भी हुआ था, और लेकिन अब जो चीफ मिनिस्टर भी कह रहे हैं और स्टेट का जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है श्याम कुमार, उन्होंने भी यही कहा कि ये कम्युनिटी के कोई समुदाय के उसमें नहीं है, और हम पूरे स्टेट में करेंगे और जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है उसको क्लियर करेंगे। तो और चीफ मिनिस्टर ने भी इस बात को एक पब्लिक रैली में पब्लिक मीटिंग में जुलाई 3 तारीख को भी ये कहा है। तो लेकिन बात यह है कि जो इविक्ट हुआ है वो लोग एक गवर्नमेंट स्कूल में रह रहे हैं, और कोई कोई टेंट जो कोई लोगों ने मदद करके बना दिए हैं तो वो सब में रह रहे हैं, और उन्होंने सरकार को भी एक रिक्वेस्ट की है कि उनका कुछ इंतजाम करे, क्योंकि ये देखिए मानसून का समय है, बारिश हो रही है, भारी बारिश, तो उसमें एक लोगों का परेशानी तो वैसे अगर देखे तो बहुत हुआ है। इन्होंने जो बंद बुलाया था 72 घंटे की ये हड़ताल थी, इसका कोई खास असर एविक्शन पे नहीं दिखा, एविक्शन होते रहे, पर क्या इस वक्त वहां पर हालत है, क्या इस हड़ताल का असर लोगों पर हुआ है? देखिए पहला जो ये एंटी एविक्शन ड्राइव का जो पहला बंद ये कमिटी ने कॉल किया था वो अप्रैल 10 तारीख को किया था, और वो भी 32 आवर्स के लिए किया था। तो उसमें लेकिन अगला दिन इन्होंने उसको उसी दिन शाम को उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, क्योंकि वो जो मैं एग्रीमेंट की बात कर रही थी चीफ मिनिस्टर के साथ, तो वो दे अराइव्ड एट दैट। तो उसके बाद अभी जो देखा हमने जुलाई 1 तारीख शाम को ये आया कि हम 32 आवर बंद दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी फ्रेश नोटिसेस आने लगे और ये बात होने लगा कि इविक्शन होंगे। तो उसके बाद वो जाके 72 आवर्स और 48 आवर्स बढ़ा दिए गए। तो उसमें तो अभी ये चालू है जो बंद है वो चालू है, और इविक्शन में तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अगर ईस्ट इम्फाल डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट इम्फाल डिस्ट्रिक्ट का कनेक्टिविटी में तो जरूर फर्क पड़ा है, लोगों का जो एवरीडे लाइफ में फर्क तो पड़ा है। जी, यानी आम जनता पर इसका असर हुआ है, पर सरकार के इरादे अभी तक वही है जो जी पहले कहा था। जी, अगली खबर है त्रिपुरा से। त्रिपुरा में IPFT और भाजपा राज्य सरकार, जब राज्य में विधानसभा चुनाव थे इससे पहले जनवरी में 7 आए थे, और अब 6 महीने के अंदर ही IPFT ने कहा है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या IPFT और भाजपा के रिश्तों में खटास आ गई है? क्लियरली खटास की तो मैं बात नहीं करूंगी कि सरकार में है, लेकिन हाँ एक कुछ दरारे तो तनाव जो है जो ही दिखने को मिला है। कोई कई दिनों से आप सुनेंगे कि ये जो इनके जो सेपरेट स्टेट का डिमांड है, त्रिपुरा लैंड का जो डिमांड है IPFT का, वो डिमांड के बारे में दोबारा बात करने लगे हैं, और ये तो है। और दूसरा ये जो मामला आप कह रहे हैं कि IPFT और बीजेपी 2019 का चुनाव के बारे में, ये दो सीट्स है त्रिपुरा में, त्रिपुरा ईस्ट का सीट है और त्रिपुरा वेस्ट लोकसभा सीट है, और त्रिपुरा ईस्ट जो है ये ST रिजर्व सीट है, और इसमें IPFT का एक कुछ कंट्रोल तो है, और अभी फिलहाल दोनों सीट CPM के पास है। तो बीजेपी अकेले खेलना चाहते हैं इलेक्शंस, और लेकिन IPFT चाह रहे थे कि ये शेयर करे, ईस्ट त्रिपुरा के लिए उनको छोड़ दिया जाए और वेस्ट, लेकिन ये हुआ नहीं है। तो इसमें मुझे लगता है जो अलायंस पार्टनर है वो गुस्सा है, और तो ये अलग से इलेक्शन खेलना चाहते हैं, तो इट विल बी अ कंपटीशन। और बीजेपी ऑलरेडी स्पोक्सपर्सन ने ये बात कहा है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग अलायंस है ये असेंबली तक ही सीमित है और सरकार तक ही सीमित है, तो ये खेल सकते। इन्होंने एक्चुअली शिवसेना का भी एग्जाम्पल दिया कि शिवसेना जो महाराष्ट्र में हर इलेक्शन एक साथ नहीं खेलते हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी खेलते हैं, तो ये भी कहा। IPFT के नेता जो है वो लगातार ये चीज जो जता चुके हैं कि हमसे बात नहीं की गई, हमसे बिना बताए जी, ये तो अब पब्लिक डोमेन में है। जी, इसके अलावा त्रिपुरा में अगरतला एयरपोर्ट का नाम जो है वो बदलकर जो वहाँ के राजा थे विक्रम मानिक किशोर, उनके नाम पर कर दिया गया है। ये मांग स्थानीय जो है वो पिछले कई सालों से उठा रहे थे, ये मांग लगातार उठ रही थी, और जो ये फैसला आया है सरकार का, ये जो IPFT का
जो अलग जाना है उसके अगले ही दिन आए, क्या इन दोनों फैसलों को जोड़कर देखा जा सकता है कि ये स्थानियों को, इंडिजिनस लोग जो हैं उनको खुश करने की कोशिश थी ये एयरपोर्ट का नाम चेंज करना? देखिए, एयरपोर्ट चेंज का जो ये डिमांड था ये बहुत पुराना डिमांड है, और पुराना डिमांड है, और खासकर जो ट्राइबल समुदाय के लोग हैं, तो जो टिपरा लोग हैं, तो उनका ये एक डिमांड रहा। और ये जो जिस एयरपोर्ट में एयरपोर्ट बनी जमीन में, ये वो राजा ने ही उसको डोनेट किया था, तो ये सब चीजें हैं। और ये इमोशनल वो था और इशू है, और बीजेपी ने इलेक्शन के दौरान भी एक प्रॉमिस भी किया था कि ये जरूर कर देंगे इसको, इसको नाम अगरतला एयरपोर्ट को इनके नाम जरूर कर देंगे। तो ये उसी का ही एक रूप हमने देखा, और इंडियन कैबिनेट ने अभी इसका अप्रूवल दिया। और हाँ, आप ये देख सकते हैं कि ये एक सर्टेनली एक पॉपुलिस्ट मूव तो है, और ये सब जो मूव लेते हैं तो उसमें फर्क तो पड़ता है, लोगों के नज़र तो एक उसमें फर्क पड़ता है। और एक बार बात, ये जो अभी प्रेजेंट जो महाराजा जो हैं, ये प्रद्योत देव मानिक, उनके जन्म के दिन में ही ये डिसीजन लिया गया, या तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट हम जर्नलिस्ट थोड़ा बहुत मीनिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं कुछ चीजों में। इस समय से ऐसी खबरें भी आ रही थी कि वो भाजपा में जाने वाले हैं, लगातार ऐसा जी कोशिश तो इलेक्शन से पहले जो इन रन अप टू असेंबली इलेक्शंस उनको तो ऑफर ही था। ये तो नेडा के जो कन्वीनर है हेमंत बिश्व शर्मा, और बीजेपी के जो इंचार्ज है त्रिपुरा इंचार्ज सुनील देवधर, उन्होंने उनको अपने घर पे विजिट किया और आमंत्रण भी किया बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। तो ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन अभी तक उसमें कोई डेवलपमेंट, नया डेवलपमेंट हमने नहीं देखा। जी नहीं देखा है। इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप दवाए.in, दवाए हिंदी और दवाए उर्दू पर देख सकते हैं। संगीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।